हाय गाइस, माय सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें गाइस, जो कि बोर्ड के बिहेव पे, 12th बोर्ड के बिहेव पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और गाइस, इस टाइप के पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम लोग IIT नीट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकुलम एंड 80 माइक्रोग्राम आर प्लेस 18 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक पर 20 माइक्रोकुलम चार्ज है एंड सेकेंड पर 80 माइक्रोकुलम चार्ज है। और कह रहा है कोई और के बीच की जो डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे गाइज तो कितना होगा, 18 × 10⁻²⁻ मीटर, 18 × 10⁻²⁻ मीटर। अब कह रहा है कोई एक ऐसा फिक्स पॉइंट सपोज कर लें, ये ABC, जिस पॉइंट पर कह रहा है कि ऐसा कोई फिक्स पॉइंट सपोज कर लें वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सपोज करते हैं सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा गाइज। यदि इतनी डिस्टेंस को हम x सपोज कर लें, AC डिस्टेंस x है, तो पूरा 18 सेंटीमीटर था, तो इतनी डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो 18 × 10⁻²। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो गाइज हम लोग लिख सकते हैं 0.18 माइनस एक्स, ठीक है ना। पहले ये 18 सेंटीमीटर मीटर चेंज कर सकते हैं, तो 18 × 10⁻²² की जगह हम लोग 0.18 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं गाइज। अब हम लोगों ने क्या सपोज किया कि एक पॉइंट एक्स लिया, कितना पॉइंट लिया एक्स, हमने सपोज किया कि AC डिस्टेंस एक्स है और कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो CB डिस्टेंस कितनी बची, 18 माइनस गाइज एक्स। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर ये फाइंड होगा E1 और दूसरा E2 फाइंड होगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल करा देंगे, E1 इक्वल इक्वल E2 करा देंगे गाइज, तो हमें पोजीशन एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो कि हमें वही फाइंड करनी थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 9 × 10⁻⁹ Q/R², ठीक है ना गाइज, Q1/R1², और ये आएगा 9 × 10⁻⁹ एंड Q2/R² R² R² Q2/R² इससे ये गाइज कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास Q1 वैल्यू 20 माइक्रोकुलम 10⁻⁶ है और R कितना X² है गाइज इक्वल Q2 की वैल्यू कितनी गाइज, Q2 की वैल्यू 80 × 10⁻⁶ माइक्रोकुलम है गाइज और डिस्टेंस कितनी 0.18 × -X का होल स्क्वायर। -6 से -6 कैंसिल किया, 0 से 0 को हटाया, तो 2 × 4 = 8 1/X² इक्वल 4/0.18 - X का होल स्क्वायर। गाइज हम लोग इसको ऐसे भी रख सकते थे कि 1/X² इक्वल 2/0.18 - X का इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं गाइज। 4 था 4 को 2 लिख लिया। अब गाइज पावर से पावर को हम लोगों ने रिप्लेस किया तो हमारे पास आया 1/X इक्वल 2/0.18 - X, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे गाइज, 0.18 - X इक्वल 2X, X को उठा के उधर ले गए गाइज, तो 0.18 = 3X, तो गाइज X इक्वल कितना आएगा 0.18/3, तो X इक्वल कितना आएगा 0.06 मीटर। मीन्स क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट A से और 0.06 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो गाइज, दैट सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज। गाइज जो न्यू क्वेश्चन है कह रहा है 2 चार्ज ऑफ 0.1 माइक्रोकुलम बट अपोजिट इन साइन और 1 मिलीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। गाइज ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 चार्ज ऑफ 0.1 माइक्रोकुलम बट अपोजिट, मीन्स पहला चार्ज ये है माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा क्या है प्लस क्यू चार्ज है, कैसा है इक्वल एंड अपोजिट, और कितना है 0.1 माइक्रोकुलम और इधर कितना है 0.1 माइक्रोकुलम। डिस्टेंस बिटवीन देम कह रहा है कि 1 मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर के बीच में डिस्टेंस है। और कह रहा है मिड पॉइंट से, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है ना गाइज, तो मिड पॉइंट से और कह रहा है कि किसी पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है
और मिड पॉइंट ओरिजिन से जिसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कितना गाइज 10 सेंटीमीटर। तो आइए गाइज हम लोग पहले इसका फार्मूला देखते हैं। हमारे लिए एंड ऑन पोजिशन के लिए फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई सॉरी 2 पी बाई आर क्यूब इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पी बाई आर क्यूब। गाइस कह रहा है कि टू चार्ज आप 1 माइक्रो कूलम 0.1 माइक्रोम बट अपोजिट इन साइन आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर का गाइज है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले हम लोग डाइपोल फाइंड करेंगे। डाइपोल इक्वल होता है 2q into 2l। गाइज जो हमें गिवन है, हम लोग चाहें तो यहाँ पर लिख लें, हमें क्या गिवन है, आइदर चार्ज मतलब दो चार्जों में से कोई भी एक चार्ज लेते हैं, प्लस माइनस चार्ज दिया गया 0.1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लिया तो 10^6 माइक्रो कूलम हो गया। और जो हमारे पास 2L डिस्टेंस है वो कह रहा 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर को लोग सकते हैं 10^-3 मीटर। और जो हमारे पास गाइज आर डिस्टेंस है मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके लिखेंगे 10 × 10^-2 मीटर। आइए गाइज जब ये वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले P फाइंड किया, तो जब P फाइंड करेंगे Q की वैल्यू गाइज कितनी है 0.1 × 10^-6 और 2L की वैल्यू, यहाँ पर ऐसा नहीं गाइज करेंगे कि 0.1 मिलीमीटर को हम लोग ये नहीं करेंगे कि 2 × 1 मिलीमीटर रखें, 2L की टोटली डिस्टेंस जो होती है डाइपोल की 2L डिस्टेंस होती है गाइज, तो 1 × 10^-3 यानी कि यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना गाइज। तो हमारे पास P की वैल्यू आएगी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे सेम रहेगा 0.1 × 10^-6 प्लस -3 तो -9 आ गया। और गाइस जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर, कितनी कूलाम इंटू मीटर। अब गाइस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल गाइस इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई नॉट की 9 × 10^9 और 2 और पी की वैल्यू 0.1 × 10^-9 लगाया जाया। और यहाँ पर हमारे पास आर क्यूब है, आर क्यूब वैल्यू 10 × 10^-2 10 × 10^-2 का होल क्यूब गाइज 9 से 9 कैंसिल किया और 9 × 2 = 18 आएगा। और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए गाइज हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई कराया सॉल्व कराया 9 × 2 = 18, इस 9 से ये पावर कैंसिल हुआ, 9 × 2 = 18 का 0.1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.8 आएगा, कितना आएगा 1.8 आया। और अपान कितना 10 का क्यूब कराएंगे तो 10 का क्यूब कराया 3 टाइम और 10^-2 का कराएंगे तो 10^-6 गाइस 10^-6। एक मिनट लिए गाइस, तो गाइस देखिए आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल कितना आएगा गाइस, इक्वल आएगा 1.8 और 10^-6 के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा अपान कितना का 10,000 बोले तो 10^3 कितना 10,000 बोले तो 1000 बोले 10^3 1000 बोले तो अब यहाँ पर 18 लिख लें इसको गाइज, और यहाँ पर 10^6 है तो कितना जाएगा 10^5 रह जाएगा, क्यों गाइज 1 पॉइंट हटाया तो एक कैंसिल हो गई पावर गाइज। और या आप ऐसा करो, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो आप यहाँ कर दो 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा एक तो 10^4 आएगा, कितना आएगा 10^4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल 10^4 है तो 18 × 10^6 -4 करेंगे तो इक्वल कितना आएगा 18 × 10^2 आएगा गाइज, तो इक्वल कितना आएगा 1800 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंटम कितना है 4 × 10^-9 कूलाम मीटर, मीन्स यहाँ पर पी की वैल्यू गिवन है हमें 4 × 10^-9 कूलाम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, एमसी लिख लो कूलाम मीटर, कितना कूलाम मीटर यानी मीटर कूलाम। कर इज अलाइंस्ड एट अ 30 डिग्री, जो एंगल जो दिया गया कितना दिया गया गाइज गिवन है 30 डिग्री
एंड कह रहा है विद द डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो गिवन है तो वो कितना 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क, क्या फाइंड करना है, टार्क फाइंड करना है गाइज, और टार्क इक्वल क्या होता है पी ई साइन थीटा गाइज, क्या होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा गाइज। तो टार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और पी की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁹ एंड ई गिवन है 5 × 10⁻³ एंड साइन थर्टी और साइन थर्टी की वैल्यू गाइज कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 10⁻⁹ × 5 × 10⁻³ और साइन थर्टी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 को डिवाइड कराया 4 को तो 2 आया, 5 × 2 = 10 और गाइस जब हम लोग इसको पावर देख लेते हैं -9 − 3 × 10⁻½ हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻¹ क्या, और टार्क यूनिट क्या होती है, टार्क का फार्मूला मेन जो फार्मूला होता है एफ क्रॉस आर होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है गाइस न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना गाइस। एक आंसर हमारा ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर स्मार्ट तरीके से लिखना चाहें, टाउ इक्वल टू 10 pF पिको न्यूटन इंटू मीटर, एक पिको में 10⁻¹ मीटर होते हैं, एक पिको में 10⁻¹ होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग 10 pF लिख सकते हैं गाइस। दैट सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस बढ़ते हैं, करवा रहे हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 60° विद अ विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सप्रेस अ टार्क ऑफ 8√3 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, कैलकुलेट चार्ज ऑन द डायपोल इज अ लेंथ ऑफ 4 cm। तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन जो हमें गिवन है पहले हम उसकी बात कर ले रहे हैं, गिवन थीटा इक्वल कितना है 60° और कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ई की वैल्यू है हमारे पास 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एक्सप्रेस टार्क टाउ इक्वल दिया गया है 8√3 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, और गाइस कैलकुलेट चार्ज ऑन द डायपोल इज लेंथ ऑफ 4 cm, हमें कैलकुलेट क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है डायपोल पे गाइस, और लेंथ कितनी दी गई, एल इज इक्वल टू दिया गया 4 cm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4 × 10⁻², 4 × 10⁻²। अब गाइस समझिएगा टाउ इक्वल क्या होता है पी ई साइन थीटा, क्या होता है गाइस पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा, टाउ की वैल्यू रखी 8√3 × 10⁻⁵ गाइस, एंड पी की वैल्यू जो हमें गिवन है नहीं गिवन है पी लिख लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁵ न्यूटन, अच्छा न्यूटन लिखने नीड नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 60 और साइन 60 की रूट वैल्यू कितनी होती है गाइस, तो पता ही होना चाहिए आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, बोले गाइस हरिया वेरी गुड, √3/2 गाइस कितने होगी √3/2, √3 से √3 कैंसिल और 2 × 2 = 4 सामने सामने गाइस कट सकता है अगर कटने वाला है, और 2 × 4 = 8 ये तो बात गाइस समझ में आ रही नहीं आ रही, चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर इतना शॉर्टकट कैसे, हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते थे, 4 × 10⁵ × √3/2 गाइस देखिएगा हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी इक्वल देखिएगा गाइस 8√3 × 10⁻⁵ अपॉन गाइस 4 × √3/2 × 10⁵ 2 पर पहुंचेगा √3 से √3 कैंसिल हुआ, 4 × 2 = 8 होता है, तो पी कल कितना 2 × 2 = 4 ये 2 पर पहुंचेगा गाइस, इतना तो पता होना चाहिए 10⁵ और ये जाएगा ऊपर माइनस का 5 हो जाएगा, तो 4 × 10⁻¹० न्यूटन ओ एम सी मीटर कूलम, ये गाइस डाइपोल मोमेंटम आया, हमें फाइंड क्या करना है
चार्ज फाइंड करना गाइस, क्या फाइंड करना है चार्ज। और फी कल गाइस क्या पड़ा है, क्यू इंटू टू एल गाइस, कितना पड़ा है क्यू इंटू टू एल। और फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टेन इक्वल क्यू की वैल्यू पुट अप करें गाइस, क्यू क्यू फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। और टू एल की वैल्यू पुट अप करें, टू एल कितना है, टू एल की वैल्यू फोर इंटू टेन टू माइनस टू, फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू। देन क्यू इक्वल कितना होगा, फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टेन अपॉन फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू। फोर ने फोर को कहा था, क्यू इक्वल कितना आएगा गाइस, टेन टू पावर माइनस टू पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, टेन टू पावर माइनस फोर और माइनस टेन, टेन टू पावर माइनस टेन इंटू टेन टू पावर प्लस का टू। तो क्यू चार्ज आएगा गाइस हमारे पास, क्यू इक्वल हमारे पास जो आंसर आया टेन टू पावर ऊपर प्लस का हो जाएगा, टेन से टू लेस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का एट कूलाम, वन इंटू टेन टू पावर एट कूलाम। गाइस दैट्स ऑल, गाइस दैट्स ऑल। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो प्रॉब्लम हो उसमें गाइस कमेंट ज़रूर किया करिए गाइस, इसी से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इसी के ज़रिए से आगे बनाने का मन करता है कि। और जब आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं गाइस और मुझे लाइक शेयर नहीं मिलते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं और कुछ बनाने लगूं गाइस, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 100 जूल ऑफ वर्क, इफ़ 100 जूल ऑफ वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है 4 कूलम है, फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, जहाँ पर पोटेंशियल कितना है गाइस 10 वोल्ट, टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज बी वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो कह रहा कि अनदर प्लेस है वहाँ पोटेंशियल कितना गाइज बी वोल्ट का है, कितना है बी वोल्ट का है गाइज, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा कि 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, वेयर पोटेंशियल इज माइनस 10 वोल्ट, कितना है माइनस 10 वोल्ट गाइज, यहाँ माइनस लगा लीजिए माइनस 10 वोल्ट। टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज बी वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो गाइज हम लोगों को फार्मूला पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या होता है डेल्टा वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट गाइज, याद है ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की द रेशियो ऑफ वर्क वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डेल्टा वी क्या होता है वी बी माइनस वी ए, मतलब सेकेंड पोजिशन से फर्स्ट पोजिशन को लेस करते हैं। और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है गाइज 100 जूल है, और क्यू की वैल्यू कितनी है 4 कूलम, और बी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और बी ए की बी बी जगह हम लोग बी ले सकते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, और बी ए की वैल्यू माइनस टेन वोल्ट। तो गाइज इक्वल 100 अपॉन 4 और बी प्लस 10 इक्वल 100 अपॉन 4, 4 से मल्टीप्लाई कराया 4 बी इक्वल 4 बी प्लस 40 इक्वल 100 इक्वल 100। तो 4 बी इक्वल गाइज कितना आएगा 100 माइनस 40, तो 4 वी इक्वल गाइज कितना आएगा 60, तो वी इक्वल गाइज कितना आएगा 60/4 आएगा 30/2, और 30 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो वी इक्वल कितना आएगा गाइज 15 वोल्ट। गाइज जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद में गाइज, और नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक इसको आप पढ़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर करिएगा गाइज। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।